उत्तर प्रदेश की जनपद बहराइच में मिशन शक्ति अभियान अंतर्गत कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शंभु कुमार की अध्यक्षता में हक की बात जिलाधिकारी के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यौन हिंसा, लैंगिक असमानता, घरेलू हिंसा तथा दहेज हिंसा आदि के संबंध में संरक्षण, सुरक्षा यंत्र, सुझावों, सहायताओं इत्यादि विषयों पर छात्राओं, महिला वॉलंटियर्स के साथ संवाद स्थापित किया गया। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान श्रीमती विद्यावती, मंशा अंसारी, रूबी, रिया त्रिपाठी, रजनी कश्यप, रीता यादव, वंदना प्रजापत, संध्या तिवारी, प्रियंका कनौजिया, नीलम वर्मा, श्रीमती नीरजा, नीलम देवी, सुनीता देवी, रेखा तिवारी, ऐश्वर्या, अंजलि सहित अन्य छात्राओं, महिला वॉलंटियर्स ने जिला अधिकारी से संवाद स्थापित किया। संवाद कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों द्वारा कैरियर के रूप में प्रशासनिक सेवा में जाने से संबंधित जानकारी, लिंग भेद के कारणों और उसका निदान, दहेज उन्मूलन, स्वास्थ्य सुधार, शिक्षा गरीबी उन्मूलन से संबंधित योजनाओं, उच्च शिक्षा के लिए संचालित योजनाओं, बालिकाओं की शिक्षा के लिए समाज की सोच में परिवर्तन लाए जाने जैसे विषयों की चर्चा की गई। हक की बात जिलाधिकारी के साथ कार्यक्रम में मौजूद छात्राओं, महिला वॉलंटियर्स की जिज्ञासाओं का जिलाधिकारी शंभु कुमार, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन कुमार मिश्र, मुख्य विकास अधिकारी कविता मीना, जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र कुमार पांडे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दिनेश कुमार यादव, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगिता जैन, ग्राम पंचायत अधिकारी नीलम वर्मा व अन्य अधिकारियों द्वारा समाधान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करने वाले सभी वक्ताओं ने मौजूद छात्राओं एवं महिलाओं का आह्वान किया कि सरकार द्वारा नारी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन के लिए संचालित किए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के संदेश को जन जन तक पहुंचाकर अभियान को जन आंदोलन के रूप देने में सहयोग प्रदान करे। सभी वक्ताओं द्वारा मौजूद छात्राओं एवं महिलाओं का आह्वान किया गया कि सकारात्मक सोच, दृढ़ इच्छा शक्ति एवं कड़े परिश्रम से मनचाहा मुकाम हासिल किया जा सकता है। कार्यक्रम का संचालन जिला प्रोबेशन अधिकारी विनय कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी राजेश कुमार मिश्र, परियोजना निदेशक DRDA अनिल कुमार सिंह, जिला कार्यक्रम के अधिकारी GD यादव, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी AK गौतम सहित अन्य अधिकारी, स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि व अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि जो महिलाओं से जुड़ी हुई समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, उसके हल के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं और कानूनों को बनाया गया है। उसके संबंध में जागरूकता आए, उसके संबंध में लोगों को जानकारी हो, उसका सही समय पर उपयोग कर पाएं और समाज में महिलाओं की स्थिति बेहतर हो, इसके लिए मिशन शक्ति अभियान अभी चलाया गया है। और इसी अभियान के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के साथ साथ हम लोगों ने आज एक हक की बात कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद की बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ संवाद स्थापित किया है। विशेषकर स्कूल की जो बच्चियां हैं, उन्होंने अपने विचार यहां पर रखे, किस तरीके से उन्हें अपनी पढ़ाई में, अपने स्वास्थ्य में और विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसके बावजूद भी वो सफलता की कहानी रचती हैं और उनकी बातों से यहां पर उपस्थित अन्य महिलाओं को सीख मिली है। और इस तरीके से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये जो सरकार का मिशन शक्ति का प्रयास है वो एक जनपद में जन आंदोलन बने और पूरे जनपद में जो महिलाओं के प्रति भेदभाव की समस्याएं हैं उसको पूरी तरीके से हम लोग समाप्त कर सकें। अखंड भारत न्यूज के लिए धीरेन्द्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, बहराइच।